धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पूरी तरह से ड्राई एरिया है और यहाँ नगर परिषद एरिया में मीट मांस की बिक्री पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसे में नगर परिषद कार्यालय में मीट दुकानदारों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। सख्त निर्देश दिए गए कि दुकानें बंद नहीं की तो पुलिस बल की सहायता से दुकानों को सील किया जाएगा, मामले की कार्रवाई करवाई जाएगी और वो भी वीडियोग्राफी के साथ। कुरुक्षेत्र के नगर परिषद थानेसर कार्यालय में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी बलबीर रोहिला व सचिव KL बटला की मौजूदगी में मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीट दुकानदारों को सचेत करते हुए कहा गया कि कई बार मौखिक रूप से कहने के बावजूद आप मीट की दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद की तरफ से मौके पर भी जाकर कई बार दुकानें बंद करवाई गई हैं। KL बटला ने दुकानदारों को साफ कहा कि यदि दुकानदार मीट की दुकानें बंद नहीं करेंगे तो नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस बल की सहायता से दुकानों को बंद करने के साथ साथ दुकानें सील करने जैसी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बलबीर सिंह ने बताया कि नगर परिषद एरिया में मीट की दुकानें खुलने की कई बार लोगों द्वारा मौखिक वे लिखित रूप से शिकायतें की जाती हैं। इसके अलावा मीडिया द्वारा भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला समय समय पर लाया जाता है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर अब नगर परिषद किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए बकायदा अब परिषद द्वारा अमीन रोड, झांसा रोड, पिहोबा रोड, डांड रोड, पिपली वे उमरी सहित अन्य जहाँ कहीं भी परिषद सीमा में मीट बिक रहा है उसे बंद करवाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इस टीम में नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सफाई दरोगाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि दुकानें बंद करवाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल की भी सहायता ली जाएगी और पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह रोहिला ने दुकानदारों को दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि बीते दिन गीता जयंती महोत्सव को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने पत्रकारों से इस गीता जयंती कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सुझाव मांगे थे। इस दौरान पत्रकारों ने शहर में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बिक रहे मीट मांस की बिक्री को लेकर आपत्ति जताई थी और सुझाव दिया था कि इसे बंद करवाया जाए ताकि धर्मनगरी की प्रतिष्ठा बरकरार रहे। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका असर बीते दिन नगर परिषद कार्यालय में हुई इस बैठक में देखने को भी नजर आया। शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जैसे अपना अमीन रोड, झांसा रोड और कई अन्य जगह पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग मीट की दुकानें खोल कर बेच रहे हैं, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए उनको पहले नोटिस भी दिए और हमने दो टीमें बना दी हैं जो उनको बंद कराने के लिए इसी काम पे जुटी रहेंगी। बाकी कल उनकी मीटिंग ली गई और उनको समझा दिया अगर हमें खुली मिली तो उनकी दुकान सील कर दी जाएगी भविष्य में, तो वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे।